इसका ग्लास दिखाता हूँ आपको, ये ग्लास यहाँ से हिलता है पूरा, बाहर निकलने को हो रहा है। ये देखो आप, ये देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है भाइयों, थोड़ा सा भी इसके अंदर लग जाता है ना उतने के अंदर अपने ये टूट भी जाती है, तो ज़्यादा इसके अंदर अपने को अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती, बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती उसके हिसाब से अपने को एक अच्छी खासी अपने को एक फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है। हेलो भाइयों, मैं मोहित मई आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो रहने वाला है अपने पुरानी कार का ओनरशिप रिव्यू का, अपने स्विफ्ट डिजायर है जो कि अपने 118,000 किलोमीटर चल चुके हैं, मतलब 120,000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं। एंड गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू भी एक शेयर करना है आपसे कि भाई गाड़ी कैसी है। एंड ये मेरे डीजल इंजन वाली, जैसा कि आपको फ्रंट वाली ग्रिल देख के पता लग भी गया होगा, और पेट्रोल जो इंजन आता है उनकी थोड़ी ग्रिल वगैरह भी अलग होती है। एंड पेट्रोल का जो इंजन आता है वो अपने 1.5 लीटर का 1500 cc का या 1400 cc का इंजन आता है, 1498 में कुछ cc का। एंड जो डीजल इंजन था वो अपने 1.3 लीटर का अपने DDAS इंजन आता है मारुति सुजुकी का, जो कि अपने 1248 cc का इंजन मिलता है, जो कि अपने को एक डिजायर के अंदर अच्छी खासी अपने को फ्यूल इकोनॉमी भी दे देता है, जो कि अपने को 24 से 25 KMPL तक अपने को डीजल इंजन के अंदर बढ़ा देता है। तो गाड़ी की अपने बात करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई गाड़ी का वेरिएंट। गाड़ी का जो वेरिएंट अपने रहने वाला है वो अपने रहने वाला है VDI वेरिएंट की अपने स्टार्टिंग जो प्राइस रहती है वो अपने रहने वाली है 7 से 7.5 लाख रुपए कुछ इसकी ऑन रोड प्राइस उस टाइम पड़ती थी। 2016 की ये अपने 17 की अपने कार है। एंड अपने बात कर लेते हैं भाई गाड़ी के बारे में कि भाई गाड़ी अपन ने इतने किलोमीटर चला ली, उसका जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा। तो भाइयों अपने कार जो है आज भी अपने ठीक ठाक कंडीशन में, अच्छा खासा माइलेज भी दे रही, मैंने खुद ने भी इसको ड्राइव किया, कार से मेरे चाचा जी है लेकिन मैंने खुद ने इसको ड्राइव करके काफ़ी बार देख रखा। गाड़ी आज भी वैसे की वैसी चलती पहले चलती थी। एंड बात करते हैं इसके फ्यूल इकोनॉमी की, फ्यूल इकोनॉमी भाई हो आज भी एकदम शानदार है। मैं खुद एक बार बीकानेर से जयपुर तक मैं चला के भी लेके आया था, तो मैंने 70 स्पीड अपने मैंने कॉन्स्टेंट की होगी उस टाइम कार जो है मेरी नॉन एसी के अंदर सर्दियों के टाइम में 33 KMPL का, तो MID के अंदर शो करी थी उस हिसाब से भाई 2-3 का 4 का फर्क रह जाएगी जितना भी जो भी अपने 29-30 का अपने को इजीली अपने को माइलेज दे रही थी। मैं मात्र 3 डंडों के तेल के अंदर अपने 350 किलोमीटर कवर करके यहाँ आ गया। तो अगर इसकी जगह कोई दूसरी कार होती तो भाई इतना अपने को माइलेज देती भी नहीं। 3rd डंडा भी मेरे जयपुर आने के बाद ही गया था, मतलब 3 डंडे पूरे गए थे एंड उसके अलावा तो 4th डंडा गया भी नहीं था अपना। तो 3 डंडे मतलब 1000 रुपये के अंदर, मतलब 5 जने 350 किलोमीटर अपने 1000-1200-1500 रुपये के अंदर 5 जने अपने यहाँ से मतलब वहाँ से यहाँ आ गए। अगर बस की अगर बात करते हैं अपने रेंट वगैरह देखते तो आज की डेट में 650-700 रुपये लगते हैं भाई। 700 के अंदर के हिसाब से देखें ना अपने कि भाई 5 जने तो 3500 रुपये होते हैं, उसके अंदर अपने 2000 रुपये अपने सेव हो जाते हैं। और दो में आगे अपने कोई पोस्टिंग वगैरह देखते तो भाई ये अपने अच्छी खासी अपने को बजट के अंदर मिल जाती है एंड अपने काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी रहती है डिज़ायर। और हालांकि बात करते हैं अपने मारुति सुजुकी की बिल्ड क्वालिटी की, जैसा कि आपने मेरे पहले वाले शॉर्ट्स के अंदर देख भी रखा होगा, मेरा जो शॉर्ट्स वायरल हुआ था आपने देखा भी होगा मारुति सुजुकी डिज़ायर वाला, उसकी मैंने बिल्ड क्वालिटी वाली जो वीडियो डाल रखी थी वो आपको पता भी होगी। उसके अंदर मैंने फेंडर पे जैसी लात मारी, अपने फेंडर बैंड हो गया एंड जैसी बोनेट पर लात मारी बोनेट भी प्रेस का बैंड हो गया था। तो यार बिल्ड क्वालिटी तो इसकी एकदम बेकार है, मैं आपको दिखा भी दूंगा मेरे उस साइड से बम्पर भी टूट रखा, जैसा कि आप यहाँ पे आके अपने बम्पर को भी देख सकते हो। ये टूट भी जाती है तो ज़्यादा इसके अंदर अपने को अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती उसके हिसाब से अपने को एक अच्छी खासी अपने को एक फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है। और बात कर लेते हैं भाई गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170-180 mm को जाता है, ज़्यादा अपने ऊँची नहीं है। एंड रियर के अंदर इसके अंदर अपने गार्ड लगा रखा है जो कि अपने बम्पर प्रोटेक्टर वाला है, तो उससे क्या है कई बार गाड़ी की अगर लगती है तो सेव रहता है अपने बम्पर रियर वाला, टूटता नहीं है, बूट वगैरह बच जाता है, तो वो जो लगा रखा है वो भी कई बार मेरे नीचे अगर चाहे फुल अपने 5 जने बैठ जाते हैं तो कार अपने पीछे से भी टच होने लग जाती है, गार्ड अपने टच होते हैं, ज़्यादा अपने नीचे भी नहीं है बम्पर से, खाली 2 या 3 आंगन नीचे गार्ड लग रखा है, 2 आंगन नीचे बस 2 उंगली जितना, फिर भी अपने ना गाड़ी पीछे से भी टच हो जाती है एंड आगे से भी अपने हर जगह टच होगी भाई कार। तो अगर आप कहीं विलेज वगैरह के अंदर रहने वाले बंदे हो, अगर आप डिज़ायर लेने का प्लान करो तो भाई आप डिज़ायर बिल्कुल मत लेना, आप कोई जो नॉर्मल SUVs वगैरह होते हैं उससे बढ़िया अपने कोई हैचबैक वगैरह आप प्रेफर कर लेना या बिल्कुल मत लेना, तो आप इस चीज़ का थोड़ा बहुत ध्यान देना। तो भाई जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया पूरा पीछे से फेंडर आगे वाला जो फेंडर है पूरा टूट रखा है एंड ये देख सकते हो आप इसके अंदर वाला भी जो लाइनिंग है फेंडर लाइनिंग है वो भी अपने पूरी जा रखी है एंड बम्पर भी अपने टूट रखा है यहाँ से पूरा प्लास्टिक। भाई हम प्लास्टिक की एंड चाहे लोहे की कोई भी क्वालिटी दे लो आप इन दोनों इनकी सारों के अपने को ऐसी मिलती है, देख लो भाई बैंड हो रहा है इजीली आराम से,
तो अपने बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट के अंदर अपन बात कर ले तो बेस वेरिएंट के अंदर उस टाइम के हिसाब से अपने को कोई फोक लैंप्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलते थे, एंड अपने एज एसेसरीज के पार्ट पे इनको इंस्टॉल करा सकते हैं। एंड अपने को फ्रंट के अंदर पूरा हेलोजन सेटअप मिलने वाला लाइट का, एंड इंडिकेटर है वो भी अपने को हेलोजन मिलने वाला है। टॉप वेरिएंट के अंदर अपने को एलईडी मिल जाती है एंड काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, विद डीआरएल से अपने को अच्छा लुक मिल जाता है। एंड इसके अंदर अपने को ग्रिल मिल जाती है, पेट्रोल वाली के अंदर थोड़ी ग्रिल बड़ी होगी तो अपने इसके अंदर छोटी ग्रिल दो टोन के अंदर दो अलग अलग मिल जाती है, उसके अंदर एक सिंगल ग्रिल आती है। तो ये अपने फ्रंट की बात होगी इसकी। एंड फ्रंट के अंदर अपने साइड में आते हैं भाई, साइड के अंदर आने देखते हैं भाई, टायर जो होते हैं अपने को 15 इंच के रहने वाले हैं इसके अंदर, 14 इंच ही रहने वाले हैं भाई, 15 इंच नहीं है, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं अपने को इसके अंदर। अभी इन्होंने चेंज करा लिया, पोलो को डला रखा पहले, पता नहीं कौन सा है उस टाइम के हिसाब से। एंड यहाँ पे अपने DDI इसकी बैजिंग मिल जाती है ये, क्योंकि ओरिजिनल अभी तक पूरी इसको कुछ भी चेंज नहीं करा रखा है, जैसी जैसी कंडीशन में पड़ी है, नॉन एक्सीडेंटल है, तो अपने DDI वाला बैच अभी तक इसके अंदर पड़ा है, क्योंकि एक बार एक्सीडेंट हो जाता है फेंडर तो फिर DDI वाला बैच कंपनी वाले अपने को लगा के नहीं देते। एंड ये अपने रहे और ORVM के ऊपर अपने को इंडिकेटर मिल जाता है, फेंडर पे मिलता नहीं भाई, बेस वेरिएंट की फीलिंग भी नहीं आती इसके अंदर, एकदम लगता भी है कि भाई अगर बंदा अगर हेडलाइट चेंज करा ले, अलॉय चेंज करा ले, अंदर से स्टीरियो चेंज करा ले, अपने एक टॉप मॉडल वाली फीलिंग आ जाती है, बाकी बस की से कौन देखता है इतना। तो ये अपने होगी यहाँ की बात ORVM से अपने। एंड रिमोट कार की अगर बात करें, कीलेस एंट्री मिलती नहीं है, तो अपने को नॉर्मल सी मारुति की एक सदाबहार अपने को चाबी मिल जाती है हमेशा वाली, जिसके अंदर अपने लॉक एंड अनलॉक का बटन मिलता है, ऐसी कुछ इसकी चाबी रहने वाली है, जो कि अपने आप कोई भी कार लेते हो उसके बेस वेरिएंट के अंदर अपने को, चाहे जिमनी हो चाहे कोई सी भी हो, जीरो से लेके अपने अल्टो से लेके अपने ऊपर तक सारी कार के अंदर अपने को यही सेम चाबी देखने को मिलने वाली है। डोर हैंडल्स है वो अपने बॉडी कलर मिलते हैं, एंड ये अपने को एसेसरीज पार्ट के अंदर यहाँ पे क्लैडिंग वगैरह कुछ लगा रखी है इन्होंने। एंड यहाँ पे इन्होंने ये मारुति सुजुकी के ओरिजिनल जेन्युइन लगा रखे हैं अपने रेन वाइजर सॉरी, एंड इनके जो क्रोम वाली जो ये बीडिंग थी ये पूरी इनकी ख़राब हो चुकी है, और 7 साल बाद देख लो आप इसकी क्या हालत हो जाती है। एंड यहाँ पे अपने को रियर के अंदर एंटीना मिल जाता है देखने के लिए। एंड रियर की अगर हम बात करें, रियर के अंदर अपने को जो अपने टेल लाइट है वो अपने को LED के अंदर मिलने वाली है, एंड अपने बैक लाइट एंड इंडिकेटर है वो अपने को हेलोजन मिलने वाला है, जो कि अपने को टॉप वेरिएंट के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अपने को बीच में नंबर प्लेट की प्लेसिंग मिल जाती है, एंड यहाँ पे अपने को डिज़ायर की बैजिंग मिल जाती है, एंड वेरिएंट मिल जाता था यहाँ पे VDI लिखा हुआ। बूट इसका चेंज हो रखा है इसलिए उन्होंने इसके लोगो वगैरह हमको वापस कुछ लगा के दिए नहीं। एंड रियर के अंदर अपने कोई भी पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं मिलते, ना ही अपने कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा अपने को देखने को मिलता है इसके अंदर। ये रियर के अंदर इसका गार्ड लगा रखा है, देख लो कितनी ऊपर है, फिर भी 5 बंदे बैठने के बाद में ये गार्ड टच हो जाता है पूरा नीचे से। एंड अब बात कर लेते हैं अपने इधर, यहाँ पे अपने को फ्यूल टैंक मिल जाता है, एंड यहाँ पे अपने को मारुति अपने कंपनी की तरफ से अपने को ये इसके कैप्स वगैरह कुछ देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेता हूँ मैं गाड़ी के अंदर इंटीरियर की, तो मैं वहाँ से जाता हूँ अंदर, एंड अंदर जाके आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई कैसा कुछ अपने को देखने को मिलता है। तो इंटीरियर की अगर बात करें, सबसे पहले अपने देख लेते हैं ड्राइवर साइड डोर को। ड्राइवर साइड डोर के अंदर अपने को VDI सेकंड बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी अपने को इसके अंदर यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एंड ये अपने को टॉप वेरिएंट के जैसा ही अपने को सिल्वर कलर के अंदर पूरा देखने को मिल जाता है। एंड ड्राइवर वाली जो विंडो है अपने को ऑटो अप एंड ऑटो डाउन मिल जाती है, बाकी नॉर्मल मिलती है अपने को सारी। यहाँ पे अपने गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ये अपने को चाइल्ड विंडो लॉक मिल जाता है देखने को। यहाँ पे अपने को 1 लीटर तक का अपने को बोतल स्पेस मिल जाता है, एंड कुछ सामान रखने के लिए अपने को स्पेस मिल जाती है। एंड स्पीकर्स इसके अंदर सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर आते हैं, LDI के अंदर अपने उसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाले। यहाँ पे अगर अपन बात करें गाड़ी के अंदर अपने को लाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, बाकी इधर यहाँ पे अपने कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते। अब बात कर लेते हैं भाई गाड़ी के अंदर से, गाड़ी को मैं बता देता हूँ भाई अंदर से कि अंदर से इसके अंदर क्या क्या करने देखने मिलता है। सबसे पहले मैं गाड़ी को कर लेता हूँ यहाँ पे मीटर ऑन, एंड गाड़ी की जो MID के अंदर जो माइलेज दिखा रहा है वो अपने को 20.1 की दिखा रहा है, आप देख सकते हो। एंड अब गाड़ी को मैं आपको दिखा देता हूँ भाई किलोमीटर्स कितने चल रही है। तो भाइयों 1,18,875 किलोमीटर अपने टोटल चल चुकी है, एंड ये देख सकते हो आप भाई इसकी जो अपने को स्पीडोमीटर है, बीच में अपने को MID मिलती है, इसके अंदर अपने को नॉर्मली टाइम वगैरह दिखाता है, फ्यूल दिखा देता है। एंड यहाँ पे अपने को ये सिंबल दिखा रहा है लेफ्ट साइड वाला कि भाई फ्यूल की जो लीड है वो अपने लेफ्ट साइड के अंदर मिलती है गाड़ी के अंदर। एंड यहाँ पे अपने को ये कुछ यहाँ पे अपने को RPM मीटर मिलता है, यहाँ पे अपने को स्पीडोमीटर मिलता है, जो कि अपने को मैक्सिमम 220 की स्पीड अपने को दिखाता है, लेकिन अपने 160-180 तक इजीली शिफ्ट की जाए चली जाती है। एंड यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं सेंट्रल कंसोल के अंदर, तो अपने को मैनुअल पूरा क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, कोई भी ऑटोमेटिक नहीं मिलने वाला। यहाँ पे अपने मैनुअल AC का सेटअप मिल गया। नीचे की अगर अपन बात करते हैं, नीचे अपने को एक ऑक्स का पॉइंट मिल जाता है, USB का मिल जाता है, एंड यहाँ पे अपने को चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। ऊपर अपने को स्टीरियो मिल जाता है, जो कि अपने को मारुति का जेन्युइन रहने वाला है, एंड इसके अंदर अपने CD भी लगा सकते हैं उस टाइम के हिसाब से, एक अच्छा खासा अपने को फीचर मिल जाता था। एंड यहाँ पे अपने को 4 आगे AC वेंट मिल जाते हैं। एंड वहाँ पे अगर अपन बात करते हैं
उस डोर की, उस डोर के अंदर भी अपने को 1 लीटर बोटल स्पेस एंड साइड के अंदर स्पेस मिल जाता है एंड चारों पावर विंडोज अपने को देखने मिल जाती है इस वेरिएंट के अंदर भी अपने को। एंड यहाँ पे अपन बात करें यहाँ पे अपने ग्लव बॉक्स मिलता है, ग्लव बॉक्स के अंदर अपने को एक डिसेंट सी स्पेस देखने को मिल जाती है। गाड़ी का जो इंटीरियर है डैशबोर्ड है वो अपने को 3 अलग अलग कलर्स में मिलता है, पहला ब्लैक, फिर सेकंड ब्राउन, थर्ड अपने को क्रीम टाइप सा बीच सा कलर जो अपने को देखने मिल जाता है। अब अपने बात कर लेते हैं हैंडल की, हैंडल के अंदर अपने को यहाँ पे एक एयरबैग मिल जाता है, दूसरा जो एयरबैग है अपने को इधर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने कंट्रोल्स, जहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं सारे अपने को मीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं एंड यहाँ पे अपने कोई क्रूज कंट्रोल नहीं मिलने वाला क्योंकि अपने VDI वेरियंट है। एंड यहाँ पे अपने को वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं और यहाँ पे अपने को लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं देखने को। तो ये अपने होगी बात ऑटोमेटिक वाइपर्स वगैरह ना, अपने को लाइट कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि अपने बेस वेरिएंट रहने वाला है। यहाँ पे अपने कोई सनग्लास होल्डर में नहीं मिलता एंड ये अपने को नॉर्मल सी येलो हेलोजन लाइट मिल जाती है देखने को एंड इसको अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं रियर व्यू मिरर को। यहाँ पे अपने अगर बात करें यहाँ पे अपने को टिकट होल्डर मिल जाता है एंड यहाँ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने को एक ग्लास मिल जाता है लेकिन अपने को लाइट वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलती एंड ऊपर अपने को एक क्रैप विंडो मिल जाता है साइड वाले पैसेंजर के लिए। तो ये होगी अपने यहाँ की बात पूरी। अब यहाँ अपने बात करते हैं भाई सेंटर कंसोल की, 5 स्पीड का भाई इसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक के अंदर शायद अपने को इसके अंदर मिल जाता है एंड सामने अपने को 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, बीच में अपने को हैंड ब्रेक हो गया एंड यहाँ पे अपने को एक 12 वोल्ट का सॉकेट एंड रियर एसी वेंट भी अपने को इसके अंदर वेरिएंट के अंदर अपने को देखने को मिल जाते हैं। कोई आर्मरेस्ट वगैरह देखने को इसके अंदर मिलने वाला नहीं है, ये आपको दिखा दिया मैंने पूरा यहाँ का। एंड अब बात कर लेता हूँ मैं रियर की, तो रियर की अपन बात करते हैं तो पीछे चलते हैं एंड पीछे चल के आपको मैं दिखाता हूँ पूरा कैसा अपने कुछ देखने को मिल जाता है। तो भाइयों वही अपने रियर डोर के अंदर है, रियर डोर के अंदर भाई अपने को एक विंडो का मिल जाता है एंड अपने बटन एंड यहाँ पे अपने को पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ये डोर को बंद करने के लिए एंड यहाँ पे 1 लीटर बोतल स्पेस मिल जाती है एंड रियर की कुछ जो स्पेस है ऐसी रहने वाली है। बेस वेरिएंट के अंदर भी अपने को सेंट्रल के अंदर आर्मरेस्ट मिल जाता है एंड 2 अपने को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं फ्रंट एंड रियर पैसेंजर दोनों के लिए, अपने को टोटल 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं देखने को। सीट्स है वो मैनुअली एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपने को एंड अपने को एक डिसेंट सी लेग रूम स्पेस मिल जाती है, सीट मैंने पूरी पीछे करके फिर भी अपने को इतना अपने को स्पेस मिल जाता है जहाँ पे एक बंदा इजीली बैठ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं अपने गाड़ी के अंदर भाई क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो गाड़ी के अंदर मैं पूरा ओनरशिप रिव्यू भी कर रहा हूँ साथ में एंड साथ में रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ भाई गाड़ी के अंदर क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक मेन चीज़ भाई, ये जो ग्लास है इसकी जो सील है वो अपना खुल चुकी है भाई। ब्रेजा को लिए अभी कम से कम आज नहीं निकलते अभी मेरे को 7 से 7.5 साल होने वाले, 7.5 या 7.5 साल होने वाले हैं, फिर भी भाई ब्रेजा का जो ग्लास है आज एकदम टिप टॉप पड़ा है। इसका ग्लास दिखाता हूँ आपको, ये ग्लास यहाँ से हिलता है पूरा बाहर निकलने को हो रहा है, ये देखो आप, ये देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है भाइयों। ये यार मारुति सुजुकी को चीज़ें सुधारनी चाहिए। बाकी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो के अंदर देखा होगा विडारा ब्रेजा के अंदर मैंने आपको ओनरशिप रिव्यू किया था 1,50,000 वाला, भाइयों पता नहीं इनके अंदर क्या दिक्कत है, 1,20,000 या 1,50,000 बाद में इनका जो इंजन है वो ब्लैक स्मोक फेंकने लग जाता है। तो मैं ब्लैक स्मोक दिखाने के लिए आपको पीछे ले जाके गाड़ी का आपको मैं व्यू दिखाता हूँ एंड साइलेंसर का आपको दिखा के मैं इसके पहले इंजन को भी स्टार्ट कर लेता हूँ, साथ में आपको इंजन की नॉइज़ सुना देता हूँ एंड फिर मैं भाई को फ़ोन देके किसी को एंड यहाँ से मैं रियर के अंदर साइलेंसर का दिखाता हूँ भाई ब्लैक स्मोक छोड़ रही है का नहीं छोड़ रही। गाड़ी अंदर अपने स्टार्ट करने के बाद में अपने को इतनी सी आवाज़ मिलती है देखने को एंड बाहर चल के मैं आपको इंजन की साउंड सुना देता हूँ भाई डीजल इंजन की 1,20,000 किलोमीटर चलने के बाद में कितनी आवाज़ आती है। तो भाइयों अपने को आगे इंजन के अंदर इतनी सी बात देखने को मिलने वाली है। अब मैं आपको पीछे से साइलेंसर दिखा देता हूँ भाई साइलेंसर के अंदर ब्लैक स्मोक फेंक रहा है या नहीं फेंक रहा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाइयों ब्रेस मार के ना देख रहा हूँ, भाइयों गाड़ी का मैंने आपको पूरा ओनरशिप रिव्यू करके दिखा दिया भाई गाड़ी स्मोक फेंक रही नहीं फेंक रही एंड भाइयों गाड़ी स्मोक जो पहले थोड़ा बहुत फेंक रही थी इसने भी अभी फेंकना बंद कर दिया। तो भाइयों 1,20,000 से 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद भाई गाड़ी एक बार थोड़ा बहुत मतलब साइलेंस कार्बन जम ही जाता है, तो आप जैसे भी आप थोड़ा बहुत इसको मतलब ऐसे प्रेशर दे के रेस देकर आप चलाओगे ना तो भाइयों कार्बन जितना भी है पूरा बाहर फेंक देगी गाड़ी। तो ये अपने इतना कुछ है इसका सीन, तो इससे अपने आप साइलेंसर को भी साफ कर सकते हो। मैंने विटारा ब्रेजा के अंदर भी ऐसा वो बता दिया था कि भाई ब्रेजा के अंदर भी मेरे दिक्कत आ रही थी एंड उसका भी साइलेंसर जो था ऐसे हमने करके मतलब
खींच के चलाते ना पूरी, तो उसने निकाल दिया। मतलब एक तरीके से जो अपने अभी रीजन वाला सिस्टम आया वैसे, उस टाइम उस टाइप की तरह से अपन अगर रेस देके अपन गाड़ी को रखते हैं पहले कई देर फुल रेस देके 20 मिनट तक, तो भाई गाड़ी अपना रीजन ले लेती है एंड गाड़ी धुआं छोड़ना बंद कर देती है, पूरा एकदम क्लीन हो जाता है इसका साइलेंसर वगैरह। तो यही था अपना वीडियो भाई आज का। वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह डालते रहूँ। एंड थैंक यू भाई वीडियो देखने के लिए।